दिखाने वाली हूँ और कब आने वाले है रिटर्न में और कौन से इवेंट में आएगी और कब आएगी सब मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और शायद मैं आप लोगों से ये इनकी जो ईवोक दिन है ये आप लोगों को कब देखने के लिए मिलने वाला है ये भी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और शायद मैं आप लोगों को बहुत सारी अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो देखिए आप लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो चलो बिना देर के करते हैं वीडियो के स्टार्ट। सो इसी को कल 2 मई है और आप लोग को नेक्स्ट ईयर फुल रिंग इवेंट जो है कल देखने के लिए मिलेगी जिसके अंदर आप लोगों से एमडीएन 14 की जो ईवोक दिन है ग्रीन फीमेल ड्रैको ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में आप लोग का जो स्कार की जो ईवोक दिन है ये भी आप लोग को कल रिटर्न में देखने के लिए मिल जाएगा ईवो बोल रिंग इवेंट के अंदर में। और साथ में आप लोग को जो MA5 और थमसन है वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। सो टोटल 4 गेम की स्किन आप लोग को ये ईवो वाली कल देखने के लिए मिल जाएगी स्कार एमडीएन 14 MP5 और थमसन। ये रिंग इवेंट तो कल ही आ जाएगा क्योंकि कल 2 मई है। बाकी आप लोग ये देखो आप लोग को 2 जून को ईवो बोल रिंग इवेंट के अंदर जो C18 की जो ईवो दिन है न्यू वाली ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी जिसका आप लोग यहाँ पे रिव्यू देख ही सकते हो। 3 लेवल में आप लोग को न्यू लुक मिल रहा है, 4 लेवल में आप लोग को ई डिफेक्ट मिल रहा है और आप लोग को अपके टैटू पर स्प्रे मिल रहा है, डबल डेमेज मिल रहा है इस ईवो गन के अंदर में। साथ में आप लोग को 5 लेवल में जो एलिमिनेशन इफेक्ट है ये भी देखने के लिए मिल रहा है। फायरिंग इफेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा मस्त है। सो C18 के जो ईवो गन है ये आने वाला है 2 जून को ईवो फोल्डरिंग इवेंट के अंदर और 2 जून को ईवो फोल्डरिंग इवेंट के अंदर C18 स्कार साथ में आप लोग को जो MDN14 है ये तीनों के साथ में और एक नया ईवो गन आप लोग नया नहीं ओल्ड वाला आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा वो अभी कंफर्म नहीं है। बाकी 3 मैंने आप लोग कंफर्म बता दिया। और ये देखो इस मंथ मई में आने वाला है बकर MB40 का रिंग इवेंट रिटर्न में इंडिया सर्वर में वो भी 100% कंफर्म। और साथ में आप लोग को बकर MB40 के साथ में रिंग इवेंट के अंदर और 3 आप लोग को जो MB40 की स्किन है सेंट्री वाली वो आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। और साथ में आप लोग जो रॉयल फ्लैश जो MB40 है वो आप लोग देख ही सकते हो सेम बकर MB40 के जैसे इसका एटीट्यूड से डबल डेमेज आप लोग को मिल जा रहा है। बस यहाँ पे रेंज का जो है और एक्यूरेसी माइनस है 1 में है और बाकी जो पोकर MB40 है इसका ही जैसा इसका एटीट्यूड है। सो ये जो गन है ये भी देखने में बहुत ही ज़्यादा मस्त है। फिर आप लोग को ग्रीन वाले जो MB40 के जो उनके स्किन लेजेंडरी ये आप लोग को देखने के लिए मिल सके और एक आप लोग को और एक ब्लू कलर की देखने के लिए मिल जाएगी। सो ये चारों ही MB40 की जो लेजेंडरी यानी कि स्किन है पोकर MB40 के साथ में आप लोग को रिंग इवेंट के अंदर में मई मंथ में देखने के लिए मिलेगा इसी मंथ में और 15 मई के बाद में ये आप लोग को देखने के लिए मिलने वाली है। और एक या दो वीक में जो इसका कंफर्म डेट का जो बैनर है वो निकल के आ जाएगा तो मैं आप लोग को इसका कंफर्म डेट बता दूंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखो जल्दी से इसका जो कंफर्म डेट है वो आ जाएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगी। तो ये रिंग इवेंट आने वाला है इसी मंथ ये कंफर्म है बस इसका जो डेट है वो निकल के नहीं आया जैसे आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगी। और फिर देखा सेरेना वालों ने इसी थीम में बहुत सारे आइटम्स डिजाइन किया है जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाला जो MK7 की जो गन की स्किन है पीछे तरफ तो आप लोग को गन का जैसा लग रहा है आगे तरफ जो मम्मी का हाथ होता है जो पिरामिड सब में रहता है वैसे ही जो मम्मी का हाथ है वो जो पट्टी बांधा रहता है ना वैसे ही है आप लोग देख ही सकते हो ना। और फिर आप लोग जो इसके अंदर जो गन की स्किन के अंदर में जो एडिफेस मिल रहा है रिलोड स्पीड डबल प्लस है रेंज प्लस है और एक रिसी माइनस है। और गन की स्किन दिखने में जितना खतरनाक लग रहा है उतना इसका एडिफेस खतरनाक नहीं है। और बाकी आप लोग को इस हफ्ते में एक नया बंडल देखने के लिए मिलेगा जो आप लोग देख ही सकते हो क्या ही जो बंडल है वो लग रहा है पूरा ही आप लोग इसका जो ऊपर का देख सकते हो पीछे से पूरा ही जो क्या बोलते हैं उसको रेत वाला जो होता है धूल टाइप एनिमेशन आ रहा है जो पेंट है वो तो ठीक ही ठाक अच्छा है। और फिर आप लोग जो सूरज है वो भी आप लोग देख ही सकते हो। फिर इस पैनल में आप लोग जो चश्मा है वो देख सकते हो क्या ही खतरनाक लग रहा है चश्मा। और आप लोग को ऊपर में जो यहाँ पे हेयर टाइप आप लोग को मिल जाएगा जो पूरा ही अच्छा लग रहा है। और बाकी बंडल बताओ कैसा लगा मुझे तो अच्छा लगा। और फिर आप लोग को AWM के भी इसी थीम में जो बन के स्किन है ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगी जिसके एटीफेस वगैरह देख सकते हो मैगजीन डबल प्लस है मोमेंट स्पीड प्लस है और रिलोड का जो स्पीड है वो माइनस है। बाकी जो गन का स्किन है वो देखने में तो अच्छा खासा लग रहा है एटीफेस भी अच्छे। फिर आप लोग को प्रांग की स्किन देखने के लिए मिल जाएगी इजिप्ट में जो प्रांग की स्किन है वो देख ही सकते हो एनिमेशन इफेक्ट तो ज़्यादा नहीं है बट जो डिज़ाइन है प्रांग का स्किन का वो अच्छा खासा लग रहा है। और फिर आप लोग को बैट की स्किन देखने के लिए मिलेगी जो वैसे बैट देख सकते हो क्या ही खतरनाक लग रहा है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ओपी लगा बैट का स्किन। और बैट के स्किन का आप लोग ऊपर में देख सकते हो पूरा ही आग चल रहा है वैसे। और फिर आप लोग को यहाँ पे जो यहाँ पे लूट बॉक्स की स्किन
कि नहीं वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। सो ये फिर इसी थीम में तो वैसा ही दिख रहा है पूरा ही, और इसी के थीम में आप लोग को फिर बैकपैक की स्किन देखने के लिए मिल जाएगी जो सारे बैकपैक की स्किन से एकदम ही अलग ही थैला है जैसा, क्योंकि वहाँ पर रेत वेत होता है तो ऊँट के ऊपर में बांधा रहता है ना थैला में, जैसा वैसे ही बैकपैक की स्किन है। एक दो और तीन लेवल में आप लोग देख ही सकते हो, पूरा ही मस्त बैकपैक का स्किन लग रहा है और एकदम अलग ही बैकपैक का स्किन आने वाला है इस पर। और इसी के थीम में आप लोग को फिर स्काई फुट की स्किन देखने के लिए मिल जाएगी, जो स्काई फुट की स्किन देख ही सकते हो अच्छा खासा लग रहा है। एनिमेशन इफेक्ट नहीं है बट अच्छा खासा बहुत ही अच्छा डिजाइन बना है। और फिर इसी को आप लोग को इसे उतारे ये वाला आप लोग को मिल जाएगा इसी बैंड की, जब ये बैंड आएगा और फिर आप लोग को ये मेल का बंडल मिलने वाला है। सो आप लोग देख ही सकते हो, सो इसी के थीम में होने वाला है। साथ में आप लोग जो मेल का बंडल है वो देख सकते हो, पूरा इसका सो लुक है बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा है। फिर इस मेल बंडल का जो टी शर्ट है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो टी शर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा लग रहा है। डिज़ाइन जो है अच्छा लग रहा है, एनिमेशन इफेक्ट तो नहीं है बट डिज़ाइन अच्छा है। और फिर आप लोग इसका जो पैंट वगैरह है, पैंट भी देख सकते हो अच्छा खासा है। और फिर इसका जो सूज है ये भी अच्छा खासा है, और इसका जो मक्स है आँख में ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर आप लोग इसका जो हेयर है वो देख सकते हो, हेयर तो पूरा वाइट वाइट है पूरा, मतलब वो ईगल रहता है ना वैसे ही है। और फिर यहाँ पे गाइस इसका फीमेल वर्जन देख सकते हो, सो फीमेल वर्जन तो गाइस क्या बोलूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और इसका जो टॉप पे पैंट है वो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, क्या ही ऊपर का नीचे का बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा लग रहा है। और मुझे इसका सूज और हेयर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और हेयर तो गाइस क्या ही मस्त है, एकदम अलग ही टाइप का हेयर आने वाला है इस बार फीमेल का बंडल का। देखिए फीमेल का बंडल हो सकता है आप लोग को फ्री में मिल जाएगी क्योंकि फीमेल का है। और फिर आप लोग को इसी थीम की जो गुलाल की स्किन है आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी, जो गुलाल की स्किन है इस पर डिज़ाइन अच्छा खासा है, एनिमेशन और इफेक्ट नहीं है। बाकी सिर्फ के जितने भी आइटम्स है इसमें एनिमेशन और इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम है, बस यहाँ पे जो डिज़ाइन है उस पर फोकस किया है गरीना वालों ने, जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा है। बाकी सो इसी का जो थीम का ये सारे जो आइटम्स है, और ये इवेंट कब से स्टार्ट होगा आप लोग सोच रहे हो, तो मैं आप लोग को बता दूँ पैराडॉक्स से इवेंट स्टार्ट होने वाला है 15 नहीं तो 16 मई से पैराडॉक्स से इवेंट खत्म हो जाएगा। फिर साथ ही सो आप लोग को ये इसी थीम के सो आइटम्स है आप लोग को गेम के अंदर इंडिया सो के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा। सो अभी कैसे एक महीना वेट करना पड़ेगा, फिर साथ ही आप लोगों से इसी थीम के ये सारे जो आइटम्स है मंडल से वो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। बाकी मुझे तो सारा ही जो आइटम्स है इसी थीम के वो सारे ही बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है, और इनके स्किन अच्छी खास है, बस उसका आइटम्स अच्छा नहीं है। बाकी आप लोग कौन सा जो अच्छा लगा आइटम बताना आप लोग कमेंट पर। और बाकी देखो इस आप लोग का जो वन पंच मैन के जो शॉर्ट गेन की स्किन है ये करने वाले अगर वन पंच मैन के साथ में फिर से कोलैबोरेशन करेंगे तो जाके आप लोग को रिजल्ट में देखने के लिए मिलेगी। और दोबारा कोलैबोरेशन तब होगा जब वन पंच मैन का नया एपिसोड आएगा, नहीं तो कुछ आएगा वन पंच मैन का जो कुछ भी नया एपिसोड आएगा तो ही आप लोग का जो वन पंच मैन के साथ में दोबारा कोलैबोरेशन देखने के लिए मिलेगा। फिर जाके सो आप लोग को वन पंच मैन के शॉर्ट गेन की स्किन है ये आप लोग को इंडिया सर्वर के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगी रिटर्न मेल। पर इससे को बड़ी मोटी शोर अपडेट होगा तो आप लोग को ये वाला नया इमोट देखने के लिए मिलेगा, तो बड़ी मैं टोकन को बचा के देखो क्योंकि ये जो इमोट है ना ये लाइट पास के अंदर में फ्री में मिला था जो मेरे पास है। बाकी आप लोग को बड़ी मैं शोर से भी फ्री में आप लोग ले सकते हो, तो अगर आपके पास बड़ी मैं टोकन है तो अभी वेस्ट मत करना, इतना मस्त वाला जो इमोट है आने वाला है क्योंकि अच्छा खासा लगता है, क्योंकि नीचे साफ करता है फिर ऊपर साफ करता है जो इमोट का रिव्यू आप लोग देख ही सकते हो। सो आप लोग को बड़ी टोकन से मिल जाएगा एक्सचेंज करने को बड़ी मैं टोकन से। और फिर ये सब मेल का बंडल देख रहे हो ये भी आप लोग को बड़ी मैं टोकन से एक्सचेंज करने को मिलने वाला है, सो मेल का बंडल है वो आप लोग देख ही सकते हो। मेल का बंडल अच्छा खासा तो लग रहा है बट इसका सो हेयर है ना होली में जैसे पहन के खेलते हैं वैसे ही है, इसका हेयर पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। साथ में इसका जो पैंट है वो भी आप लोग देख ही सकते हो, मतलब बंडल ठीक ही ठाक है आप लोग को बड़ी मैं शॉर्ट से सॉरी बड़ी मैं टोकन से आप लोग को जो एक्सचेंज करने में मिल जाएगा ये बंडल। और साथ में इमोट तो मैंने आप लोग को दिखा दिया, अब मैं आप लोग को बताती हूँ जो बड़ी मोटी शोर है वो अपडेट कब होगा। तो देखो उस दिन एक महीना पहले जो बड़ी मोटी शोर है वो अपडेट हुआ था इंडिया सर्वर में, ये तो आप लोग को पता होगा। और सो नया अपडेट है बड़ी मोटी शोर में गोल्ड रॉयल बंडल जिस दिन अपडेट होगा उसी दिन पॉसिबल जो लीक वगैरह निकल के आ रही है गोल्ड रॉयल का बंडल अपडेट होगा, उसके साथ में जो बड़ी मोटी शोर है इसके अंदर भी आप लोग को ये सारे जो न्यू आइटम्स है बंडल और इमोट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी आप लोग को सुन के लास्ट तक जो बड़ी मोटी शोर है वो अपडेट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करना फूल नहीं, तो चलो भाई सेटअप वाई फाई।